फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फील ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सभी टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर बना रही हूँ। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, फिजिकल एजुकेशन के सभी स्टेट के कोई कंपटीशन एग्जाम का सिलेबस लगभग सेम है। तो दोस्तों, जैसा कि आप का अभी फिलहाल में एग्जाम एमपी टेट का है, जो वर्ग वन और टू दोनों का है, दोनों का सिलेबस सेम है लगभग। और जिसको देखते हुए मैं ये सीरीज चला रही हूँ कि आपके एग्जाम से पहले सभी टॉपिक मैं क्लियर कर दूँ। तो यदि आप एमपी टेट का तैयारी कर रहे हैं तो मेरे इस सीरीज से जुड़ जाइए और डेली एमसीक्यूज का प्रैक्टिस लगाइए। और चाहे यूपी टीजीटी का तैयारी कर रहे हो या एलटी ग्रेड का, किसी भी स्टेट का, तो ये सभी वीडियोज आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही लाभप्रद है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल में सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, टॉपिक वाइज है। चैनल में जाकर के, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के हर एक टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। एमसीक्यूज, थ्योरी पार्ट एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और वन लाइनर। तो चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि यनस एनआईएस का पूरा नाम क्या है। तो यनस एनआईएस का पूरा नाम है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। इसकी स्थापना 7 मई 1961 में पटियाला में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा दे है जेबी रेस ने। परिभाषाओं के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो सारी शिक्षा की परिभाषा से रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाई हूँ, जिसमें आप एक बार जब उस वीडियो को देख लेंगे तो जितनी भी परिभाषाएं हैं आपको वीडियो देखते ही एकदम ट्रिक के साथ याद हो जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप सोचेंगे कि मेरे को तो बहुत जल्दी याद हो गया हमेशा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षानुकूल व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है। यह परिभाषा किसने दी है? तो इस परिभाषा को दिया है वी एन झा ने। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। तो दोस्तों, शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, दैहिक सभी प्रकार के विकास आ जाता है शारीरिक शिक्षा में। यहाँ पे जब भी शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य पूछेगा तो वहां पर व्यक्तित्व का, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हमेशा क्वेश्चन सही होगा, ऑप्शन यही सही होगा। नेक्स्ट है, भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवा का प्रारंभ कब हुआ? तो यह हुआ 1909 ईस्वी से। नेक्स्ट है, उस शारीरिक विद्वान का नाम बताइए जिस स्वास्थ्य को चलायमान प्रक्रिया समझा और इसको परिभाषित किया कि जीवन की गुणवत्ता वह है जो व्यक्ति की को अच्छे से रखना और बेहतर सेवा के लिए सक्षम बनाता है। तो इस परिभाषा को किसने दिया है दोस्तों? जे एफ विलियम्स से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। जीवन की गुणवत्ता की बात जहां कही, जहां बेहतर सेवा करने का बात कही, तो इस की पॉइंट को पकड़ के आप इस परिभाषा को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1957 में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में किस प्रकार की नवीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम पाठ्यक्रम की शुरुआत की? तो इसमें 1957 में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन में ग्वालियर में 3 वर्षीय शारीरिक शिक्षा स्नातक पाठ्यक्रम बीपीई की शुरुआत की। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा का राष्ट्रीय योजना 1956 का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका गठन शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन के राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड के द्वारा किया गया था।
है कितने रीजनल समितियों द्वारा नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन यानी NCTE कार्य करता है? जो चार रीजनल समितियों द्वारा कार्य करता है। नेशनल शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करना है, क्या करना है दोस्तों? शारीरिक विकास करना है कि मानसिक विकास करना है कि सर्वांगीण विकास करना है कि खेलकूद में भाग लेना है? यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है 1, 2, 3 और 4 एंड ऑप्शन नंबर डी दिया है 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 1, 2 एंड 3, यानी कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा का विचार कहां से भारत में आया? तो यह इंग्लैंड से आया। नेक्स्ट है, दिन में से किस स्थान पर प्राचीन ग्लेडिएटर मुकाबला आयोजित होता था? तो यह रोम में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैद्धांतिक रूप से नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान है? तो सैद्धांतिक रूप से नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान क्या है दोस्तों? यह साई के अंतर्गत शैक्षणिक केंद्र के अंतर्गत खेल का शैक्षणिक केंद्र के अंतर्गत आता है। जैसे कि शैक्षणिक खेल कई खंड है साई के, यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, यानी भारतीय खेल प्राधिकरण के, जिसमें शैक्षणिक खेल के अंतर्गत आपका नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान और लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन आता है। जिसमें से जो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान है, खेल का शैक्षिक केंद्र है, और जो लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन है वह शारीरिक शिक्षा का शैक्षिक केंद्र है। तो दोनों को याद रखिएगा, खेल का शैक्षिक केंद्र नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान और शारीरिक शिक्षा के लिए शैक्षिक केंद्र लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण संस्थान नहीं है? तो यहाँ कलकत्ता में भी है, बंगलोर में भी है, पटियाला में भी है, पटना में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों में नया दृष्टिकोण शामिल है? तो यहाँ पे आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र भी शामिल है, मनोचारक क्षेत्र भी शामिल है, प्रभावी क्षेत्र भी शामिल है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1984 को हुआ था, बट यहाँ पे नहीं दिया है कोई भी ऑप्शन, तो यहाँ पे 1982 को सही माना गया है, बट एग्जैक्टली आपका है 25 जनवरी 1984 को हुआ था साई की स्थापना। जैसे कि दोस्तों, साई को फुल फॉर्म है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय खेल प्राधिकरण। इसको अथॉरिटी को हटाकर ओनली स्पोर्ट इंडिया यानी SI कर दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा शारीरिक शिक्षा की नींव को मजबूत किया जा सकता है? तो दोस्तों, यहाँ भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, शारीरिक संस्कृति। जब आपके में शारीरिक संस्कृति नहीं दिया रहेगा, वैज्ञानिक तथ्य दिया रहेगा, तो वहां पे वैज्ञानिक तथ्य सही हो जाएगा, बट यहाँ पे शारीरिक संस्कृति दिया है तो शारीरिक संस्कृति सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भौतिक शिक्षा यानी फिजिकल कल्चर द्वारा शारीरिक शिक्षक के पास गुण होना चाहिए, तो कौन से गुण होना चाहिए? अच्छे कार्यकर्ता के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा शारीरिक शिक्षा की नींव को मजबूत किया जा सकता है? तो यह शारीरिक संस्कृति के द्वारा मजबूत किया जा सकता है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा के कार्य क्षेत्र में शामिल है, ऑप्शन है स्वास्थ्य शिक्षा, खेलकूद की गतिविधियां, कैंप लगाना और नेतृत्व देना।
तो ये सभी चीजें शामिल है सारी शिक्षा कार्य क्षेत्र में, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली कौन सी संस्था थी जिसने देशी सार्वजनिक शिक्षा के उद्देश्य को आगे बढ़ाया, तो यह कौन सी संस्था थी दोस्तों, यह हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती महाराष्ट्र में जो 1914 में दो वैद्य भाइयों ने बनाया था। और दोस्तों हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल ने 1936 बर्लिन ओलंपिक में अपना प्रदर्शन किया था, इसको भी आप याद रखिएगा, कई बार पूछता है। नेक्स्ट है, निम्न में खेल प्रतिभा खोज स्कॉलरशिप योजना की एक शीर्ष संस्था है, तो कौन है, साई यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, 1953 में भारत में पहली बार किसने खेल प्राधिकरण की योजना सामने रखी थी, तो यहां रखी थी राजकुमारी अमृत कौर ने जो उस समय स्वास्थ्य मंत्री थी। नेक्स्ट है, भारत में कोच बनने के लिए न्यूनतम अर्हता क्या है, तो इसके लिए न्यूनतम अर्हता आपका NSS पटियाला है और MPhil है। नेक्स्ट है, सरल शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है व्यक्ति का संपूर्ण विकास। नेक्स्ट, सारी शिक्षा प्रति नागरिक का मूल अधिकार है, यह इसमें शामिल है। तो दोस्तों यह शब्द सारी शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है, यह यूनेस्को घोषणा पत्र में शामिल है। नेक्स्ट है, कौन से प्राचीन देश में सार्वजनिक शिक्षा के साथ साथ खेल ने सुनहरा युग महसूस किया, तो वह युग है दोस्तों ग्रीस यानी यूनान। नेक्स्ट है, कुमारावस्था में व्यक्ति का बर्ताव इससे प्रभावित होता है, तो किससे होता है दोस्तों, समाज यानी समुदाय से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्लार्क ने नहीं प्रस्तावित किया है, तो दोस्तों यहां पे तंत्रिका मज पेशीय तालमेल नहीं प्रस्तावित किया है, और इन्होंने प्रस्तावित कौन सा किया है, शारीरिक दक्षता, सामाजिक क्षमता, सांस्कृतिक विकास, इन तीनों को प्रस्तावित किया है, तो किसको प्रस्तावित किया है इसको भी आपको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सबसे पहले स्कूलों में आधुनिक शारीरिक शिक्षा शुरुआत करने की पहल की, तो वो है नेशनल फिटनेस क्लब्स यानी NFC, यानी कि सबसे पहले आधुनिक समय में सारी शिक्षा शुरुआत करने का श्रेय है NFC नेशनल फिटनेस क्लब्स की। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा का अर्थ है, तो यहां पे शारीरिक शिक्षा का अर्थ है मानव जाति का समग्र विकास। क्या है, मानव जाति का समग्र विकास। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा का प्रथम राष्ट्रीय संस्थान कहां स्थित है, तो ग्वालियर। दोस्तों यहां पे दो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो शारीरिक शिक्षा का प्रथम विद्यालय कौन है, तो आपका YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हो जाता है, 1920 में SC बक ने स्थापित किया था। लेकिन राष्ट्रीय संस्थान बोलेगा तो ग्वालियर मध्य प्रदेश लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हो जाता है। नेक्स्ट है, सामान्य भाषा में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, तो बहुविधी व्यक्तित्व का विकास, यहां पर शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी संस्थाएं थी ईरान में, विदेशों में, भारत में शारीरिक शिक्षा का जो इतिहास था, जितनी भी संस्थाएं थी उन सभी के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन था जो आपका समाप्त होता है। आगे इसी तरह आपका सीरीज बाई पार्ट बाई पार्ट आपके MBTET से रिलेटेड और सभी फिजिकल एजुकेशन एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज आते रहेंगे। आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ जाइए और डेली बेसिस से प्रैक्टिस कीजिए और सेल्फ स्टडी भी कीजिए।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।